लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शिवसेना नेता विजय नाहटा के बर्थडे पर सानपाड़ा में जश्न, महाआघाड़ी के तमाम नेताओं ने दी बधाई। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, आग जियो हजारों साल ये हमारी है। हैप्पी बर्थडे टू नाटा साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू। शिवसेना उपनेता और महाड़ा के चेयरमैन विजय नाहटा के जन्मदिन पर सानपाड़ा के वड़ार भवन में शिव सैनिकों ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर विजय नाहटा ने केक काटा, जिसके बाद उन्हें सर्वदलीय नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, रिपाई के सिद्धराम ओवल एवं शिवसेना नेता विजय चौगले और वरिष्ठ नगर सेवक एम के मड़वी समेत तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विजय नाहटा को पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं प्रदान की। यहां पूर्व मनपा आयुक्त के कामकाज, व्यवहार कुशलता और उनके योगदानों का गुणगान भी किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इनका आज बर्थडे है और उन्होंने अपने पूरे उम्र में एक आईएएस ऑफिसर करके उसने बहुत कर्तव्य दक्ष अधिकारी करके काम किया। आज रिटायर होने के बावजूद भी वो समाज सेवा में जुड़ा है और नवी मुंबई के अंदर उन्होंने एक एक आदमी, वो हर एक पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उनके ऊपर प्रेम करने वाले लोग बहुत ही नवी मुंबई में हैं। तो ऐसे मौके पे आदमी के जीवन में बर्थडे एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे मौके पे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, तीनों पार्टी से हम लोग उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको अच्छा आरोग्य दे और 100 साल की जिंदगी उनको बस दे, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हे माजी नवी मुंबई आयुक्त तसेच माजी कोकण विभागीय आयुक्त नाटा साहेबांनी अनेक क्षेत्रामध्ये कामं केले, त्याच्यामध्ये त्यांनी अशी कामगिरी केली की ह्या नव्या मुंबईमध्ये ज्यांनी शिवसेनेमध्ये जेव्हा प्रवेश केला त्यात आम्हाला त्यांनी जबरदस्त असं काम केलं आणि आज आपण पाहतोय की नव्या मुंबईमध्ये वेलापूर विधानसभेमध्ये शिवसेना इतकी वाढवली की आपणा सर्वांना माहीतच आहे
त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याला जपलेलं आहे, प्रत्येक कार्यकर्त्याला विश्वासात घेऊन ते काम करत आहेत। आज त्यांनी उत्तर भारतीय सेना इथं वाढवलेली आहे। यापूर्वी उत्तर भारतीय सेना आपल्यासोबत होती, परंतु ती इतकी नव्हती जितकी त्यांनी आता 100% उत्तर भारतीय लोक आपल्याकडे वळलेले आहेत। शिवसेनेचा झेंडा फडकवण्यासाठी विजय नाटा साहेबांनी अतोनात प्रयत्न केले आहेत। गेली 5 वर्ष ते अतोनात प्रयत्न करत आहेत। आज त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही सर्व इकडे आलेलो आहोत। अतिशय संयमी आणि अतिशय धाडसी असं त्यांचं नेतृत्व आहे। सुशिक्षित आणि अतिशय म्हणजे शासकीय कार्याचा अनुभव असणारे नाटा साहेब खरोखर ह्या नव्या मुंबईमध्ये शिवसेनेची वाटचाल अतिशय चांगली झाली आहे त्यांच्यामुळे। आणि याच्या पुढे सुद्धा नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत, ह्या निवडणुकीमध्ये नाटासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही जी नगरसेवकाची निवडणूक आहे, ह्या निवडणुका नक्कीच आपल्या जिंकल्या जातील आणि शिवसेनेचा भगवा झेंडा ह्या महानगरपालिकेवर फडकेल। महाविकास आघाडीचा महापौर होईल यात शंका नाही। मी आज विजयजी नाटासाहेब यांना माझ्या वतीने शिवसेना CBD बेलापूर विभागाच्या वतीनं तसेच आमच्या प्रभाग क्रमांक 101 वतीनं मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। माननीय विजय नाटासाहेब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तर भारतीय संघ के तरफ से और पूरे टीम के तरफ से। हम साहेब को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साहेब का पूरा आशीर्वाद हम लोग के उत्तर भारतीयों के ऊपर बना हुआ है। 5 साल से साहेब उत्तर भारतीय संघ को लेकर चल रहे हैं और नवी मुंबई में जब से साहेब आए तब से बहुत बड़ा ताकत बन गया उत्तर भारतीय संघ का। और इसके उपलक्ष्य में साहेब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तर भारतीय संघ की। आज आमचे शिवसेनेचे उपनेते माननीय विजय नाटा साहेब यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याच्यासाठी आमचे कार्यकर्ते पदाधिकारी हजारोच्या संख्येने आज इथे उपस्थित आहेत। याचं खरं श्रेय म्हणजे गेली 5-7 वर्ष नाटासाहेब इतकं काम करतायत की तळागाळातल्या लोकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी महिलांसाठी गेली 5-7 वर्ष साहेब काम करतायत आणि त्याचं प्रतीक म्हणूनच आज त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांची फॅमिली तर आहेच पण आमच्या शिवसेनेचा पूर्ण परिवार आज हजारोंच्या संख्येने इथे उपस्थित आहे। खरं तर नाटासाहेबांना मी माझ्या शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या वतीनं आणि माझ्या शिंत्रे परिवाराच्या वतीनं आई त्यांना आई जगदंबा त्यांना उदंड आयुष्य देव अशा आम्ही सगळ्या जणी मिळून त्यांना देवीकडे प्रार्थना करतोय। आणि नाटासाहेबांकडनं खरं तर ते रिटायर्ड IAS ऑफिसर आहेत पण रिटायर झाल्यानंतर लोक मोठे ऑफिसर आराम करतात, निरनिराळ्या हिल स्टेशनमध्ये जाऊन राहिलेलं आयुष्य एन्जॉय करतात पण साहेबांनी रिटायर झाल्यानंतर शिवसेना जॉईन केली आणि शिवसेनेतल्या तळागाळातल्या लोकांसाठी मग ते झोपडपट्टीतले असू देत किंवा इतर सर्व कामगार वर्गातले असू देत किंवा रिक्षावाले असू देत प्रत्येकाला ते मदतीचा हात देतात आणि त्यांनी नव्या मुंबईमध्ये चांगल्या प्रकारे हे काम केलेलं आहे। त्यामुळे आज ही वाढदिवसाला त्यांची जी गर्दी दिसली ते त्यांनी काम केलेले त्याचे हे फलश्रुत आहे असं म्हणायला हरकत नाही। सन्माननीय विजयजी नाहटा शिवसेनेचे नेते झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे अध्यक्ष यांचा आज वाढदिवस आहे। आज आपण पाहतच आहात की शिवसेनेचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने त्यांना शुभेच्छा द्यायला इथे आलेले आहेत। खरोखर त्यांचं असं एक व्यक्तिमत्वच असं आहे की आज जर आपण बघाल तर शासन असू दे प्रशासन असू दे कोकण विभागीय आयुक्त म्हणून ते राहिलेले आहेत तर या सर्वांचा त्यांना चांगला अनुभव आहे आणि या अनुभवाची शिदोरी घेऊन ते आज नवी मुंबईमध्ये त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे। आज त्यांच्या वाढदिवसाचं जे अभिष्ट चिंतन आहे हे बघता त्यांच्या आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचा हा मेळावा त्यांच्या भोवती भोवता खरोखरच आज नवी मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही असं मी इथे आपल्याला ग्वाही देते। आणि खरोखर ह्या विजयजी नाटा साहेबांना मी आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की त्यांना उदंड आयुष्य लाभो। आज जो नाटा साहेब नवी मुंबई में शिवसेना का नेतृत्व कर रहा है वो एक अच्छा नेतृत्व है। हर शिवसैनिक को दिशा देने वाला नेतृत्व है, हर शिवसैनिक को अच्छी तरह से न्याय देने वाला नाटा साहब है। नाटा साहब ने शिवसेना को इधर बढ़ाया नई मुंबई में और हर एक कार्यकर्ता के साथ नाटा साहब प्रेम से प्यार से और उनका काम करने का तरीका एक अच्छा तरीका है सबको न्याय देने का। इतना काम नाटा साहब यह नई मुंबई में कर रहा है। नाटा साहब एक उत्तुंग ऐसा व्यक्तिमत्व है, IAS अधिकारी थे, सुशिक्षित और अच्छी तरह से उनको सब मालूम है किधर कौन से जगह कैसा काम करने का। एक IAS अधिकारी होके उसने नई मुंबई का शिवसैनिकों को एक अच्छी दिशा दी है। जय भवानी को मैं एक मांगनी करता हूँ कि नाटा साहब को उदंडा सा आयुष्य दे दो।
वहीं शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा के रिश्तेदारों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें एक सुलझा हुआ इंसान, परिपक्व एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व बताया। डैड का आज हैप्पी बर्थडे है एंड मैं नाहटा फैमिली में 4 साल से हूँ और मैंने उनको बस ऐसे ही देखा है कि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों का केयर करना और काफ़ी यू नो घर पे जब वो रहते तो चहल पहल रहती है, लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल एक नारी जैसे कि बाहर से आप जो स्ट्रिक्ट और हार्ड लेते हैं वो अंदर से इतनी ही सॉफ्ट है, जैसा इन्होंने कहा है अपने बचपन से उनको ऐसे ही देखा है कि बस सबके लोगों के लिए काम करो, यही उनका। सन्मान्य दिलीप घोड़ेकर, प्रवीण मात्रे, मिलिंद सूर्यराव यांच्या वतीने कांबळे साहेब बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते जब तक वो किसी के लिए करेंगे नहीं, एक कांबळे साहेब टाइम है उनमें आगे कुछ करने का और हमने तो अपने जन्मदिन पर लाखों शुभकामनाएं पाने से आनंदित विजय नाहटा ने सभी चाहने वालों के प्रति आभार जताया और विश्वास व्यक्त किया कि अगले चुनाव में मनपा में शिवसेना का ही भगवा लहराएगा। जन्मदिन का एक औचित्य था और इसलिए यहाँ पे पक्ष विरहित सभी पक्ष के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें कांग्रेस के हमारे शेट्टी साहब थे, कौशिक साहब थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रशांत पाटिल थे, उनके साथी गावड़े साहब थे, शिंदे साहब थे, आरपीआई के होड़ साहब थे, खरे साहब थे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पे हमारे जो शिवसेना के सभी पदाधिकारी, उपजिला प्रमुख, शहर प्रमुख, उपशहर प्रमुख, शाखा प्रमुख, महिलाएँ हमारी, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक कार्यक्रम को एक इवेंट का स्वरूप आ गया। ये सब देख के और लोग अपने पे जो प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वो देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जन्मदिन का जन्मदिन की वजह थी, लेकिन थोड़े पॉलिटिकल अभी महापालिका का इलेक्शन है और उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अपने विचार रखे और रखना भी लाजमी है क्योंकि 2 महीने के बाद इस महापालिका पे जो हमारी महागाड़ी उसकी सत्ता आने वाली है, उसके बारे में भी कार्यकर्ता को थोड़ा सचेत करना या उनमें जोश भरने का काम हमारे सभी लीडर ने यहाँ पे किया। इतने बड़े पैमाने सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए, मुझे मिले, मेरा सम्मान किया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।